वो देख रहे हैं वो बिल्कुल वैसे गिर जाएगी ये। जी, एहतियात से छत गिर ना जाए कहीं। ये बहुत सी इस पे लिखावटें हुई हुई हैं, सुना सुनाइए। ऐसा लग रहा है कुछ साथ साथ है और गुस्सा नहीं होता है। ये जो लाल लाल आपको निशान नजर आ रहे हैं दीवारों पे, ये चमगादड़ों की बीटे हैं। और ये क्या पहले से लिखा हुआ होगा? ये बहुत कुछ अजीब हो कुछ देखो तो सही, दीवारें भरी हुई हैं सारी सही। यार इधर आइएगा, इसकी छत देखें, ये तो पूरी दीवार भी देखें भाभी, ये देखिए दादा पूरा देखिए इसका हाल। बिल लगते हैं ना, बिल सांप के सांप के भी हो सकते हैं। मैं तो जंगल चप्पलें हैं वैसे, उधर की है चप्पल, वहां से मैंने देखी थी चप्पलें जगह जगह थी। चारों तरफ हर कमरे में जंगल ही नजर आ रहा है। ये जो लिखावटें हैं ना, ये पहले की हैं, इसके ऊपर बीठों के निशान हैं चमगादड़ों के। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो खाली जगह देख के कुछ बच्चे या आपको नवे कौन आ सकता है। इसको रिपोर्ट कीजिएगा स्वर में। यहाँ कौन बोलेगा? क्या लग रहा है? अजीब सा लग रहा है, पेट में मुंह बना भजन। चमगादड़ों की पीठे बाद में हैं, लिखावटें पहले हैं। मतलब कभी जब आबाद हुआ हो या होता था ये, तब शायद लिखा गया हो ये सब कुछ। लेकिन छोड़ के जाने वाले पहले ही चले गए। जी जी, इसके बाद चमगादड़े बसी आके। पता नहीं रात को क्या माहौल हो यहाँ का। सुना ये देखिए वैसे ही गिरी बगैर कोशिश आ रही आवाजें बच्चों की हैं। आवाज़ें अच्छी नहीं है, आवाज़ें अच्छी तो रास्ते से ही अंदर हो जाए। शाम ने कहा चार कमरे हैं, चारों को देखिए। सबके चले जी, बिस्मिल्लाह। ऊपर से देखिएगा सुन, कोई आबादी तो नहीं है आसपास? चले आबादी नजर आ रही है, काफी दूर है। Thank you.
सारी आबादी। वो सामने कोई घर नजर आ रहा है, दूर है, बहुत दूर है। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? ये कहाँ से आ रही है? उधर कोई है आबादी? बहुत दूर आबादी है। यार ऐसा नहीं लगता ये सामने कोई बाथरूम टाइप बनाए गए या क्वार्टर टाइप बाद? यार यहाँ कुछ नजर आ रहा है? सामने पहाड़ है, वो देखें आप, वो सामने पहाड़ है तरफ दिखाए नजर आता है। कुछ आवाज़ें तो चलो कहीं दूर से आई होंगी, लेकिन कुछ ऐसी आवाज़ें आई हैं जो बच्चों की नहीं थी। बहुत बहुत वियर्ड आवाज़ें, अजीब सी आवाज़ें। कहाँ आपको कहीं नज़दीक नज़र आ रही है कोई आबादी? जितनी भी जगह सब छोड़ी हुई ही हैं। हम उस रोड से जी अंदर आए हैं जहाँ से वो बाइक जा रही है। ये आपको बता दें कि डाब टाउन की टाउन की बैक साइड का इलाका है, और आप आसपास देखें आपको ना ये हाल कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। ये वाली जो झाड़ियाँ हैं, ये जो पूरा इस जगह पर हाल है वो कहीं और नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। ये तो इलाके में भूत बंगले के नाम है। और अब मेरे ख्याल से ये भूत तरीन बंगला हो गया, तब शायद हम आए हैं। जो जंगली झाड़ियाँ इसके सराउंड में सुलभ, वो कहीं और नजर नहीं आ रही है। वहाँ फसलें हैं, ये बाउंड्री है, वो कोई मिल छिल लगी हुई है दूर, ये देखें फसलें हैं, खुदाई हुई भी है। इधर जो हाल है वो कहीं और नहीं है। आप ये नोट करें, ये वो रास्ता जहाँ से हम आए जी। और जब तोड़ा ही है इसको तो फिर पूरा क्यों नहीं तोड़ा? हाँ ये मंदिर। अच्छा ये देखे ना सर, तो मेरे ख्याल से ये भी कुछ बना हुआ होगा। सर मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरी दीवार थी यहाँ पर, ये पूरा कुछ तोड़ा गया है इसको बकायदा, इसे भी तोड़ा गया, ये टाइलें इसी की हैं, लेकिन फिर पूरा क्यों नहीं तोड़ा? पूरा। ये देखिए इस पर चोट मारी है सोहेल भाई, क्या कहते हैं इसको, ये कैसा तोड़ना हुआ साहब? आए थोड़ी सी चोट मारी चले गए, वही हुआ होगा जो होता है। भागो भागो। अच्छी जगह सारी, हमने इतनी जोर से पाँव नहीं रखा था कि वो गिर जाए। कौन है? छत गिरी? यार हम तो छत पे थे भी नहीं। सर जिधर आए बाहर आएंगे।
यार एक पक्के लिए मुझे लगा कोई और भी है हमारे अलावा। अरे आपको कहा ना, जब से आए ऐसा लग रहा है कुछ साथ साथ है और गुस्से में बहुत। यहाँ से दिखाएं। छत पे कोई नहीं था, कौओं को क्या हो गया? शाम से ये पोजीशन है। अभी मगरिब नहीं हुई जनाब, अभी 6 नहीं बजे शाम के। कौन है आप? बगैर नुकसान पहुंचाए जाहिर कर सकते हैं खुद को? क्या नाम है आपका? मिलने आए हैं आपसे? कोई है? यह है साधु, मेरे सामने आया है। ये पत्थर जो गेट के पास है ना, सुनिए आवाज, बिल्कुल सुनिए। मैं ये देखे रोंगटे खड़े हुए। यही आवाज पहले भी आई थी कुराने की। तो वस्तखार मतलब क्या सुहेल भाई? अभी तो शाम, जैसे कोई गुस्से में नहीं हो रहा था बहुत। तो आपने देखा कुछ भी? कख नहीं, उसी कमरे में जाने लगा हूं मैं घुर्राने की आवाज। Mm-hmm.